बोले सच्चे दरबार की जय। एक बात बतलाइए कि आप कौन हो? आपने ये उल्टा टोकर मार के पीठ फेर के खड़ी होगी, कारण क्या है और आप कौन हैं ये बतलाइए पहले। सत्यनाथ जी, मैं तो कैसी बीमार पड़ी हूँ, तू और राजा छाती पे घूम, जल्दी बतलाइए। डंडा कर रहा, डंडा कर रहा सत्यनाथ जी। एक मैं दारी बदियासी बैठा दूंगा, दारी एक दिन पीला कर दूंगा। तो तू जाने ना आया भी मुआ, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। हाँ, तुम्हारे राजा को बताऊंगी। क्या? अपने राजा को भेजिए, सगरी बात तुम्हें बताऊंगी। एक बात तो बताओ, तुम्हें ना बताऊंगी, पीछे हो जाइए। पहले सुन लो, मैं प्यार से ही तो पूछ रहा हूँ। एक बात तो बताओ, तुम या काय को उठाओ हथियार, जाओ जाओ अपने घर जाओ, यार मत उठाए करो, जाइए जाइए अपने घर जाइए। तो वैसे ही छीची को है, जाइए। मैं जा रो दिखे हूँ, टाइम बहुत कम है। हम भाई अपना कह रही है, हे राजा करी दबार, उसी जगह पर आ गए राजन से करे थे जला। हाँ मंत्री, महाराज के लिए मंत्री का प्रणाम हो। प्रणाम, खुश रहो मंत्री। कहिए, ये बताइए, मैंने आप जिस कार्य को भेजे थे वो कार्य करके आए या नहीं? महाराज, हाँ, मैं आपको क्या बतलाऊं? क्या है? मेरी बात सुनिए। क्या बात है? जिस समय हम और आप शिकार खेलने के वास्ते जा रहे थे, हाँ, तो वहां पर अपने नगर से निकल करके एक महत्रानी, अच्छा, और उसने आपका हमारा आशीर्वाद कर दिया। अच्छा, पर वो कहना चाहती है, जिस समय मैं वहां पर गया और उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि मंत्री साहब, मैं आपको कोई बात नहीं बतलाऊंगा। क्यों? मैंने पूछा क्यों नहीं बतलाऊंगी, कारण क्या है? कि नहीं, मैं आपके महाराज के लिए सारा हाल बतलाऊंगी। क्या हमें बतलाएगी? जी हाँ। तो ठीक है मंत्री, और हम स्वयं जाते हैं और हम स्वयं पूछेंगे, अगर ऐसी बात है तो। ठीक है मंत्री जी, आप जाइए। और देर जरा सी ना करी कोई पल की करी नवार, और कोई घर के बीच में तो पहुंचे में तर के हे मेहतर। कहिए महाराज, ये बता महाराज, कैसे आना हो दरवाजे पे, क्या बात हो गई? हे मेहतर, क्या आना तो बहुत बड़े अचरज की बात है, और मैं बहुत अरसों के बाद शिकार खेलने के लिए जा रहा था, परंतु तुमने ये औंधा टोकरा मारकर मेरे सोन पे सोन क्यों उठाए हैं? हे मेहतर, मुझे सच्चाई बतला दे, क्या बात है? महाराज, इन बातों को ना पूछो तो अच्छा है। क्यों, क्या बात है? इन बातों को ही दबा दो। नहीं मेहतर, मेरा काम, मुझे बता दे। अगर तूने नहीं बताया प्यार से, और तुझे बताना पड़ेगा तलवार से। महाराज, तुम राजा हो, हम प्रजा हैं, कोई गलती हो जाती है तुम्हारा काम क्षमा करने का है। और मेहतर साच री साच बताई दे, मेहतर साच ही साच बताई दे, मेहतर साच ही साच, अरे मेहतर साच ही साच बताए, मेहतर साच ही साच बताए दे, भंगर साच ही साच बताए, अरे मान जाइए साच ही साच बताए दे, साच बताए तेरे, साच साच बताए रे, तने उल तो छबड़ा हाथ दियो डार रे, मेरी बानी रे बेगारी भागी बानी, तेरे उल तो छबड़ा क्यों डार रे, मेरी बानी रे बेगारी भाग मारे रे। मेहतर साच साच बताए दे, और तेरे उल्टा छबड़ा दिए डाल रे, तो मेरी बनी बिगारी। भगवान ने महाराज, हाँ, अगर पूछा चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ। सुन, क्या बात है, बताइए मुझे। अरे राजा तुम्हें निर्वन सिर राम हो, राजा तुम्हें निर्वन सिर
8 बजे अन्न जल प्राप्ति होता महाराज। अच्छा और बोल दी मैया की। हे मेहतर मेरी बात सुनिए, बस महाराज मेरी बात सुनिए। हे भंगेर तुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी, अगर तूने सच्चाई नहीं बताई मैं तेरे जन बच्चे को कोलू में पिलवा दूंगा। और भंगने खाले का आड़े भूसे मारे दाऊ, भंगने खाले का आड़े भूसे मारे दाऊ। महाराज हे सुन जाओ। हाँ महाराज एक बात बताओ तो। आई भैया मारे गई चुप, तेरा नासी जाएगा मोटे। वो एक बात बताओ। हाँ तुम नो कह रहे के खाल काल भूस भर दऊ। हाँ महाराज या की खाल है मोख दे दियो। अच्छा और तेरी भूस में लगाए दंगो आग रे, तेरी पानी हर रबी कारी भगवानी ने तेरी बनी बिगारी भगवान। अरे राजा मोए मारे से तोए कामिल, राजा मेरे मारे से तोए कामिल, राजा मोए महारे ते तोए कामिल, राजा मोए महारे ते तोए कामिल। अरे राजा मेरे मारे से तोए कामिल, राजा मेरे मारे से तोए कामिल। खाल तो मैं तेरी और उड़ा दूंगा महाराज। मुझे सच्चाई बता दे क्या बात है। तो मेहतर क्या कहती है महाराज, तुम्हारा मुखड़ा देखने से मेरे बच्चों को अन्न जल प्राप्त नहीं होता, किस प्रकार बताती है मेहतर। और इसके बाद भोले पार्वती की बहुत अच्छा साथीदार होगा। महाराज न कह रहे हैं भूस में आग लगा दूंगो, भैंसो बकरियन को और भैंसियन को का खवांगे। मैं का गलत कह रहा हूँ बताओ। अरे राजा प्यारे घर में रानी सुरुति, राजा प्यारे घर में रानी कहने सुरुति, राजा जो तेरे चेहरे राजा जो तेरे चेहरा देखले। अरे बहन मिले हते नाए मेरे राजा महाराजा, तेरी बनी रे बिगाड़ी बने बाने ने। बहन मिले हते नाए मेरे राजा महाराजा, मेरे करम लिखिए भगवान। महाराज हाँ ये बात जो आप कह रहे हैं मैंने पहले कह चुकी है, यानी मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती हूँ, मुझे अन्न जल प्राप्ति होता और तुम राजा निर्वंशियो और जो तुम्हारी रानी सुनते हैं। चाहिए हम तेरी बात को अजमाएंगे, अगर तेरे बच्चे को अन्न जल प्राप्त हो गया तेरे जन बच्चे को कोल में पिलवा दूंगा, अगर नहीं होता है तो मेरा एक वचन होगा, यह तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा या सीधा तपोवन के लिए निकल जाऊंगा। जाइए मेहतर और चली जाइयो हमारे अंगना से, चली जाइयो, चली जाइयो हमारे अंगना से, चली जाइयो, और चली जाइयो हमारे अंगना से, भगी जाइयो, भगी जाइयो हमारे अंगना से, भगी जाइयो। अरे भग जाऊं तियारे अंगना से, रम जाऊं
पार्वती की झांकी। झांकी वाले बच्चों तैयार हो जाओ। तो आ गई आगे भाग रही है मैं तारी।